हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव हियर। और इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप देखने जा रहे हैं। सो इस सीरीज़ के अगर बाकी वीडियोस तुमने नहीं देखा है जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से जावा पढ़ा रहा हूँ, तो जाके देख सकते हो। और इससे पहले ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ लूप के ऊपर, और मैं फॉर लूप बता चुका हूँ। सो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो जाके देख लो। और तुम्हें सिंपल सिर्फ व्हाइल लूप जानना है तो ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। सो लूप क्या होता है मैं बता चुका हूँ, जो कुछ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, रोटेट करता है। लूप 3 होते हैं, पहला फॉर, दूसरा वाइल, तीसरा डू वाइल। तो पहला फॉर लूप हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग सेकंड देखने जा रहे हैं, कौन सा? वाइल, WHILE, वाइल लूप। तो सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होगा? तो वाइल लूप को कैसे लिखते हैं हम लिखेंगे वाइल, WHILE, और वाइल के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमारा कंडीशन होगा, CONDITION। अब कंडीशन कैसे बनाते हैं, अब तक तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो अभी आगे बताऊंगा। फिर while के नीचे while का ब्लॉक होगा, braces open and braces close। और जो भी स्टेटमेंट तुम्हें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराने हैं उनको हम while के अंदर लिखते हैं। सो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, या जितने भी स्टेटमेंट हैं, राइट? अब ये while वर्क कैसे करता है इसको देखो। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है सबको पता होगा, टॉप टू बॉटम। तो प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट हो तो वो आएगा, तो सबसे पहले कंडीशन पे जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा प्रोग्राम वाइल के अंदर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो, और वाइल के अंदर जो भी लिखा है स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद कहाँ जाएगा? फिर से कंडीशन पे जाएगा। अगर कंडीशन फिर ट्रू हुआ तो फिर से वाइल के अंदर आएगा और फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर से ट्रू हुआ तो फिर से वाइल के अंदर आएगा, जो स्टेटमेंट लिखे उनको फिर एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही रोटेशन में, लूप में चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम लूप बोलते हैं, राइट? बट अगर मान लो कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर हमारा वाइल का कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा प्रोग्राम यहां से सीधे, अगर फॉल्स हुआ तो वाइल के बाहर चला जाएगा, वाइल लूप खत्म, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो, राइट? ये हमारा वाइल लूप का सिंटेक्स है। तो चलो देखते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम करते हैं वाइल लूप से 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। तो कैसे करेंगे? सो तुमने फॉर में देखा था, फॉर के अंदर तीनों चीजें होती थी, इनिशियलाइजेशन भी होता था, हम एक वेरिएबल लेते थे, 1 एंटर करते थे, फिर कंडीशन भी होता था जैसे आई लेस देन इक्वल टू 5, और फिर अपडेशन भी, यहाँ फॉर के पैरेंथेसिस में तीनों हो जाता था, राइट? और जो भी हमें स्टेटमेंट होता था फॉर के अंदर, फॉर की बॉडी में लिखते थे। बट वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन है पैरेंथेसिस के बीच में। सो हम लिखेंगे वाइल, बट वाइल के पहले एक वेरिएबल लेंगे INT i, और इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना है कर लो, मैं 1 कर लेता हूँ, कुछ भी कर सकते हो, बट कंडीशन हिसाब से बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं यहां लिखता हूं वाइल, और वाइल के अंदर मैं कंडीशन दे देता हूं आई लेस देन इक्वल्स टू 5। क्यों मैंने आई लेस देन इक्वल टू 5 दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं वाइल का कंडीशन मेरा 5 बार ट्रू हो, क्योंकि जो हम वाइल के अंदर लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सो इस लाइन को हम कितनी बार प्रिंट करना चाहते हैं? 5 बार। इसलिए मैंने वाइल में कंडीशन क्या दिया है? आई लेस देन इक्वल टू 5। बट अगर आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, क्योंकि आई 1 लेस देन इक्वल टू 5, ये तो हमेशा ट्रू होगा। तो हमें आई की वैल्यू को हर बार एक बढ़ाना होगा, आई को हर बार एक अपडेट करना होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इस लाइन के नीचे आई प्लस प्लस फिर सेमी कॉलन, राइट? तो अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। ये प्रोग्राम हमारा हो गया वाइल लूप से 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। अब ये वर्क कैसे करेगा? तो हमारा प्रोग्राम ऊपर से एग्जीक्यूट होता हुआ आएगा लाइन बाय लाइन, फिर आई में 1 है, आई में 1 स्टोर किया, कंडीशन पे जाएगा तो आई लेस देन इक्वल टू 5। अब आई में 1 है तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, वाइल के अंदर जाएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रिंट कर देगा? हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, राइट? और फिर अगले लाइन पे आएगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 1 थी ना, प्लस प्लस क्या करता है? वैल्यू को एक बढ़ा देता है, तो आई की वैल्यू कितनी कर देगा? 2। आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी हो गई आई की वैल्यू? 2 हो गई। सो इसके बाद, इस आई प्लस प्लस वाले लाइन के बाद वाइल के अंदर और कुछ तो है नहीं, तो सिंटेक्स देखो, उसके बाद कहां जाता है स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद? फिर कंडीशन पे, तो फिर कंडीशन पे जाएगा, तो आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई में अब कितना है? आई 2 हो गया था ना आई प्लस प्लस में, तो आई की वैल्यू अब 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू, क्योंकि 2 5 से छोटा है, फिर वाइल के अंदर आएगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर दूसरी बार क्या प्रिंट करेगा? हेलो वर्ल्ड, राइट? उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाले लाइन के बाद कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी? आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू 2 थी ना, तो
तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक और बढ़ा देगा, कितना कर देगा 3। फिर कंडीशन पे जाएगा तो i लेस देन इक्वल टू 5, i में 3 है, सो 3 लेस देन इक्वल टू 5, भाई 3 5 से छोटा है, कंडीशन फिर से हमारा ट्रू हो गया। तो फिर से कंप्यूटर कहाँ आएगा, वाइल के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या प्रिंट कर देगा तीसरी बार हेलो वर्ल्ड, फिर i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन पे जाएगा तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर वाइल के अंदर आएगा, फिर लाइन एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ टाइम प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद फिर i प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 5 हो जाएगी। इसके बाद फिर कंडीशन पे जाएगा तो अब i में 5 है, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, भाई लेस नहीं है बट इक्वल तो है ना, इक्वल का भी साइन वहां लगा है, तो कंडीशन वाइल का अभी भी ट्रू है। तो फिर से वाइल लूप के अंदर आएगा, ए लाइन एग्जीक्यूट होगी, पांचवी बार क्या प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, फिर i प्लस प्लस, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। फिर कंडीशन पे जाएगा तो अब i में 6 है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 अब ना 5 से छोटा है ना 5 के बराबर है, तो while का कंडीशन क्या हो गया हमारा, while का कंडीशन फॉल्स हो गया। सो देखो यहां सिंटेक्स में, फॉल्स होने पे कंडीशन while के बाहर निकल गया था ना, तो अब सीधे यहां से while के बाहर निकल जाएगा, प्रोग्राम खत्म, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। सो अब मान लो यहां पे मैं तुमको बोलूं कि तुम्हें 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है या 100 बार, तो क्या करोगे, सिंपल, यहां पे i लेस देन इक्वल टू 5 की जगह क्या कर दो 100 कर दो, राइट। मैं चलो 10 टाइम्स करता हूं, रन करते हैं प्रोग्राम को। सो हम यहां टर्मिनल में आते हैं, सो पहले क्लियर मैं कर लेता हूं, क्लियर, फिर कैसे रन करेंगे, अगर नहीं जानते हो कैसे रन करते हैं तो जाके इस सीरीज के वीडियोस देख लो, बिल्कुल स्टार्टिंग में इन्हें पहले दूसरे वीडियो में इन्हें बताया है। तो जावा सी एबीसी डॉट जावा एंटर, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, जावा एबीसी, सो देखो प्रिंट कर दिया 10 बार हेलो वर्ल्ड, राइट, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा अब चलो वाइल से एक और प्रोग्राम कर लेते हैं जल्दी से, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, अगर नोट्स बना रहे हो तो वाइल का सिंटेक्स लिख लेना और फिर एग्जाम्पल प्रोग्राम लिख लेना, ठीक है। अब एक और हम प्रोग्राम करते हैं, सिंपल प्रोग्राम, क्या है प्रोग्राम हमारा, हम प्रोग्राम करने वाले हैं प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, यानी आउटपुट ऐसे होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, कहां तक, 9 तक। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो i की वैल्यू 1 ही रहेगी, राइट। फिर यहां पे कंडीशन क्या हो जाएगा, हमें 9 तक जाना है ना, तो कंडीशन होगा i लेस देन इक्वल टू 9। अब तुम बताओ जब फर्स्ट टाइम हम while के अंदर आएंगे तो i की वैल्यू कितनी होगी, जब फर्स्ट टाइम हम while के अंदर आएंगे तो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी 1। ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, इससे मत परेशान होना है, कुछ नहीं अभी इसको हटा दूंगा। फिर सेकंड टाइम i की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर थर्ड टाइम क्या होगी 3, ऐसे i की वैल्यू कहां तक जाएगी 9 तक, और हमें i ही तो, यही तो प्रिंट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड की जगह i, और i को डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे, नहीं तो i ही प्रिंट कर देगा, हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो बस i हो गया प्रोग्राम। अब देखो सो i की वैल्यू 1 फॉर में एंटर कर, सॉरी वाइल में एंटर करेगा तो i लेस देन इक्वल टू 9, i में 1 है, कंडीशन ट्रू, वाइल के अंदर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन i, i में अभी कितना है 1 है ना, तो क्या प्रिंट करेगा, मैं कमेंट में लिख दे रहा हूं यहां, सो हमारी पहली वैल्यू प्रिंट करेगा 1, राइट। फिर i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, प्लस प्लस एक बढ़ा देगा 2, फिर कंडीशन पे जाएगा तो i लेस देन इक्वल टू 9, तो i में अब 2 है, तो 2 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, फिर वाइल के अंदर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन i, कितना प्रिंट करेगा 1 के बाद, 1 के बाद प्रिंट करेगा 2, फिर प्रिंट करेगा 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, और 9 के बाद जब यहां पे i प्लस प्लस i की वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन पे जाएगा i लेस देन इक्वल टू 9, तो i में कितना है, i में 10 है, भाई i में 10 है ना अब, तो 10 9 से छोटा है ना, उसके बराबर है, तो कंडीशन वाइल का क्या हो गया, फॉल्स हो गया, हमारा सिस्टम यहां से जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये था हमारा वाइल लूप, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस फॉर और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना कि यहां पे 3 चीजें, इनिशियलाइजेशन, फिर हमारा एक कंडीशन और हमारा एक अपडेशन, i प्लस प्लस अपडेशन है क्योंकि वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, i लेस देन इक्वल टू 9, ये जो भी ये हमारा कंडीशन है, जितनी बार कंडीशन ट्रू होगा वाइल के अंदर जो लिखा एग्जीक्यूट होगा, और ए आई में जो 1 स्टोर कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन है। तो ये तीनों चीज जो हमारा फॉर लूप रहता है उसमें हम एक ही पैरेंथेसिस में लिख देते हैं,
अगर फॉर, अगर इसी प्रोग्राम को हमें फॉर से करना हो तो कैसे होगा? फॉर आई एन टी, सॉरी ये दो बार पैरेंथेसिस हो गया, सो आई एन टी आई असाइन विथ वन, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू नाइन एंड देन आई प्लस प्लस, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहां पैरेंथेसिस में क्या दे देंगे? आई। अगर हमें फॉर से करना हो तो प्रोग्राम बस ये होगा, ये वाइल चाहो तो हटा दो, ये देखो सेम प्रोग्राम 1 से 9 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करने का फॉर से ऐसे होगा, सेम चीज है ना। देखो यहां भी आई है जिसमें मैंने 1 स्टोर किया है, यहां भी सेम कंडीशन है, सेमी कॉलन है बीच में, और फिर यहां भी अपडेशन है, बट फॉर में ये तीनों फॉर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आ जाते हैं। बट अगर सेम प्रोग्राम हम वाइल से करते हैं तो इनिशियलाइजेशन पहले होगा, उसके बाद हमारा वाइल लूप होगा, और अपडेशन कहां होगा? वाइल के अंदर ही होगा, राइट? सो आई होप क्लियर हो गया वाइल लूप कैसे वर्क करता है। अब अगले वीडियो में हम लोग वाइल पे एक प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।